गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अक्सर बच्चे, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें फंसा करते हैं। जब ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म लिखा करते हैं तो वो किस तरह से कर्व एरो का साइन दे, किधर की ओर डाले कर्व एरो को, किस तरफ उसका इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग को दिखाएं, ठीक है। तो ये सब सारी परेशानियां जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक ड्यूरिंग ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में आपको होने वाला है, वो सारी परेशानियां इस वीडियो के दौरान दूर होने वाला है। आप चैनल के साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू यूज़, हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ कर्व एरो ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान हम कर्व एरो का यूज़ कब करें, कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हम लिख के रखे हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। ये पॉइंट्स को आप भी लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और इसके स्क्रीनशॉट भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट्स में कहना चाहूँगा किस तरह, देखिए सबसे पहली बात है, कर्व एरो का जो साइन होता है इस टाइप से होता है। कर्व एरो इस टाइप से दिखाते हैं, आप जो देख रहे हैं इस वाला पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं हेड। इसका नाम तो आपने पहले भी सुन रखा होगा, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। पॉइंटिंग आउट जो इसी वाला इस टाइप का होते हेड, और ये वाला लास्ट वाला पॉइंट को बोलते हैं टेल बोला जाता है। इज इट क्लियर, जिस टाइप से दिख रहे बनाया हुआ, एक्चुअली हम इस टाइप से स्ट्रक्चर बना के रखेंगे, लग रहा है रैट है। क्या है ये, मतलब दिखने रहा आपको रैट की जैसा, आप देखिए। तो ये रैट का जो माउथ होता है उसको मान लीजिए आप, क्या आप हेड मान लीजिए, और उसके जो रैट का जो चूहे का जो पूछ होता है उसको क्या बोलिएगा, टेल बोलते हैं आप। जस्ट एकदम बिल्कुल लग रहा है एक रैट का स्ट्रक्चर है, इसलिए समझने में कोई परेशानी नहीं, इसलिए मैंने इस तरह से बना के आपके सामने रखा हुआ। सबसे पहले कर्व एरो को हम लोग कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, उसके बाद में कुछ छोटे छोटे रिएक्शन मैकेनिज्म के उनको लेके दिखाएंगे किस तरह से हम आपका कर्व एरो को इंडिकेट करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ठीक है। साधारण सा रिएक्शन लेके आपको समझा देंगे सारी बात क्लियर। सबसे पहले कहता है शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन रिएक्शन मैकेनिज्म। कहता है कर्व एरो क्या करता है, पहला काम क्या है कर्व एरो का, इस एरो का काम क्या है, हेड और टेल वाले एरो का काम क्या है। शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाता है। मान लिया हम यहाँ पे लिख दिए कि आप कभी कभी आप ऐसा करके लिखा हो, इस तरह से अगर हम ऐसा लिखा हुआ आप कर्व एरो ऐसा डाला हुआ इस टाइप से, तो हम समझ जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किधर की ओर मूव कर रहा है, क्लोरीन की ओर मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है, क्लोरीन की ओर शिफ्ट कर रहा है। इज इट क्लियर, वो किधर मूव कर रहा है, क्लोरीन की ओर। अगर मैं ऐसा लिख दूँ एफ और एच लिख दूँ ऐसा, तो अगर हम ऐसा करके शिफ्ट कर दिए तो हम लोग किधर समझ रहे हैं कि जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है किधर है, फ्लोरिन की ओर है। तो कर्व एरो जो दिखा रहा है वो क्या बताता है कि आपका सो द डायरेक्शन बताता है किस तरह से किधर की ओर शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पॉइंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एटम रिसीविंग द पेयर, ठीक है। कहता है यहाँ पे ध्यान दें, पॉइंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये अभी जब जस्ट एग्जाम्पल ये हम किधर इसका पॉइंटिंग रहेगा, सो द पॉइंटिंग, ठीक है, उधर से इसका पॉइंटिंग होगा। सपोज मान ले कि हम यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया ऐसा करके, ठीक है। तो इसका जो पॉइंटिंग किधर होगा, इस टाइप से पॉइंटिंग होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करेगा। जैसे जो रिसीव करने वाला, जो रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करेगा, ठीक है, उसकी तरफ क्या होगा, उसकी तरफ होगा ये आपका इस टाइप का साइन, इस टाइप का जो साइन दिख रहा है, इस टाइप का साइन किधर होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर रहा है, ठीक है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर चला है, ठीक है, वो वहाँ वो क्या होगा, एक तरह से कहेंगे उसको हम लोग टेल, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर चला है और जहाँ पर जो एटम उसको रिसीव कर रहा है उस पर होगा इस टाइप का पॉइंट, ठीक है। इससे आप यही पता कर सकते हो कि क्लियरली कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर चलता हो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर चल रहा होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन पेयर जब चल रहा होगा, जहाँ से जिस एटम से चल रहा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जो रिसीव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो कह सकते हैं कि जो एरो का जो पॉइंटिंग होगा, कह सकते हैं हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेकर लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर मूव करेगा। वही बात थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है, ऑलवेज शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए साइट ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द साइट ऑफ लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहाँ से चलेगा, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेके लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मान लिया हम यहाँ पे लिख दिए सपोज कि हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये फ्लोरीन है, सपोज जैसे हमने आप लिख दिए फ्लोरीन है,
यहाँ पे है भोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये हाइड्रोजन, तो जिधर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जिधर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर पे ज्यादा होगा उधर से इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव करेगा। मान लें यहाँ पे हमने लिख दिया H प्लस यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है आपका, क्या है इस पे ज्यादा है, यहाँ पे क्या है कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर ये मूव करने वाला है। इज इट क्लियर? हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर मूव करेगा। एक मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ कि एसिड बेस एसिड को वाटर में डालने के बाद क्या मिलता है, तो सिर्फ साधारण रिएक्शन क्लास 10 में पढ़ के बैठे हुए उसी को हम कर्व एरो से दिखाएंगे उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं। जैसे मान लें कि हमको एसिड लियो, जैसे कि आपका ये एसिड है HCl है सपोज, ये हो गया H और ये हो गया Cl, ऐसा भी लिख सकते हैं HCl, कोई दिक्कत नहीं है, HCl को ऐसा भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे हम वाटर में इसको डाल दें, वाटर को हम ऐसा लिखते हैं, तो क्लास 10 वाला रिएक्शन को जरा याद किया जाए, जब वाटर में हम HCl को डालते थे, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमको क्या मिलता था, Cl का माइनस और H3O प्लस मिलता था। देखिए किस तरह से इसका मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म की बात करें, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म का अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी क्लियरली है कि यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो क्या है HCl है और ये H2O है। तो ऑब्वियसली क्या है कि ये जो होगा यहाँ चलेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है तो ये वाला देखिए यहाँ पे ये है, क्लियर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, पहले बोल दिए थे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से ज्यादा रहेगा लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव करेगा, इसके मतलब ये H2O और ये जो है यहाँ पे H प्लस मिलकर क्या बनाएगा H3O प्लस बनाएगा। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके Cl निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके क्या होगा Cl निकल जाएगा, किस फॉर्म में निकलेगा इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के, दो दो चार यहाँ पे दो छः होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा किस तरह से, इस तरह से लेके निकलेगा, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा यहाँ पे Cl माइनस हो के, क्लियर। तो एक बनाएगा Cl माइनस और एक क्या बनाएगा आपका ये हाइड्रोनियम आयन, समझ रहे हैं। अब इसे मान लें को दूसरा रिएक्शन हम लेते हैं, मान लें को हम दूसरा रिएक्शन लेते हैं, ध्यान देंगे सिमिलरली। अब मैं करता हूं कोई एसिड को, जिसे मान लें कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने देखा CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन देखें, ध्यान देंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखिए कि जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन कहीं भी लिखिए, ये लॉन पेयर को लिखना ना भूले माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, लॉन पेयर को लिखना आप ना भूले, इसलिए कि लॉन पेयर काफी कुछ करवाएगा, ठीक है, लॉन पेयर लिखना ना भूले, ये जो प्लस माइनस को नेग्लिजिबल ना समझे, ठीक है, प्लस माइनस लॉन पेयर का काफी खेल होता है ऑर्गेनिक में, प्लस माइनस लॉन पेयर, फिर बोल रहे हैं प्लस माइनस लॉन पेयर, इसका काफ़ी खेल रहेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाए हो सकता है, प्लस माइनस लॉन पेयर डबल बॉन्ड का काफ़ी खेल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में। तो मान लें यहाँ पे हमने लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, अब मैं इसके रिएक्शन वाटर के साथ कराना चाह रहा हूँ, तो जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा तो आपको पता है कि जब वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड में जब वाटर डालते थे तो क्या मिलता था हमको, एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन मिलता था, एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन हमको मिलता था। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ये है आप जान रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ज्यादा होता है, ये चीज तो आपको क्लियर है। जैसे मान लें कि अभी मैं आपको दिखाया कि एच और सी एल आपस में गेम खेल रहा था, सी एल की ओर एरो हो रहा था, सी एल की ओर एरो जा रहा था, कर्व एरो किधर की ओर डायरेक्शन था, ये कहने का मतलब है सीएल की ओर डायरेक्ट, कारण ये था कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पार्शियली शिफ्ट कर लेगा अपनी ओर, ठीक है, क्या करेगा शिफ्ट करेगा, तो वही चीज है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन क्या करेगा टांग के रखेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर को क्या करेगा
टान के रखेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को टान के रखेगा। इसका मतलब है कि ऑलरेडी कि अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन पेयर की रखी और शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली आप सोचिए हाइड्रोजन पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव सेंटर आ जाएगा, एच प्लस हो जाएगा। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा, हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की और अटैक करेगा। अब बताइए एच प्लस को अगर एच टू ओ उठा के ले गया तो क्या होगा, एच टू ओ को अगर एच प्लस को एच टू ओ ले जाएगा तो बना लेगा एच थ्री ओ प्लस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एच टू ओ है, सपोज मान ली भी दिखा देते हैं आपको जैसे कि ये एच टू ओ है, ये एच प्लस आपस में आया, एच प्लस का साइज बहुत छोटा होता है, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, रिएक्टिव भी होता है, वो चाहता है जरा वाटर से दोस्ती कर लो, ठीक है, वाटर से दोस्ती करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, रिलेटिव बॉन्ड बना ले, स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। एच प्लस का क्या होता है, वाटर की तलाश रहता है, इधर उधर घूमते रहता है वाटर की तलाश में, ठीक है, किसी किधर से वाटर मिले हम एच प्लस के साथ कंबाइन हो और जल्दी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, रिलेटिव बॉन्ड बना ले, हम स्टेबल हो जाए, सभी का यही टेंडेंसी रहता है, हम लोग का भी टेंडेंसी, आपका भी टेंडेंसी होगा जल्दी से लीव पढ़ लिख के साथ विवाह करके स्टेबिलिटी आ जाए। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, वाटर की तलाश में एच प्लस घूमते रहता है, घूमते रहता है, कब वाटर मिले उसके साथ जाके जरा सट जाए, क्योंकि अगर करता है वाटर, वाटर को थोड़ा दया आ जाता है, देख के इधर उधर घूम रहा है तो क्या करता है, ऑक्सीजन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, जैसे ही इसको डोनेट करता है तो क्या हो जाता है, ये एस थ्री ओ प्लस, एस थ्री प्लस बन गया। बाकी इससे जो एस प्लस निकला होगा क्या बनाया होगा, एसीटेट आ जाएगा। तो ये हुआ कर, नेवर शो पॉइंट नंबर फोर, नेवर शो द मूवमेंट ऑफ एटम, एटम मूव नहीं करता है इसमें, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, याद रखिए एटम वहीं पे बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एटम वहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है, लगेगा कि एटम घूम रहा है लेकिन नहीं, एटम नहीं घूम रहा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कुछ भी घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर घूम रहा है, ठीक है, इज इट क्लियर। आई थिंक इसके इतना जानने के बाद आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आप जब भी लिखोगे, खासकर आपको अच्छे अच्छे रिएक्शन मैकेनिज्म आएंगे, आप 11 में जाओ 12 में जाओ, सारे के रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ठीक है, तो वहाँ भी जब रिएक्शन मैकेनिज्म आप लिखेंगे तो आप देखेंगे क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एरो या कोई भी बुक आप खोल के देखिए, इससे आपको इतने छुटकारा मिलने वाला नहीं। तो आज के वीडियो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किस तरह से हम ड्यूरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम कर्व एरो का यूज करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।